अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मांग रहे पाकिस्तान के साथ मैं हूं मोनिस रजा। और मैं हूं सलमान कादरी। आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे नए सूबों के क़याम की। हमेशा हमने अपने प्रोग्राम में अवाम के बुनियादी मसाइल पर बात की है, अवाम के बुनियादी मुतालबात पर बात की है, और जब हमने इस मौजू को चुना तो हमें सबसे बड़ा मुतालबा यही मुतालबा लगा कि पूरे पाकिस्तान से इस वक्त अवाम की आवाज़ आ रही है, लोग इंतज़ामी बुनियादों पर या लिसानी बुनियादों पर नए सूबों के क़याम का मुतालबा करते नज़र आ रहे हैं। आज तकरीबन 64 बरस गुजर चुके हैं पाकिस्तान को बने हुए, और इस वक्त जितने जोश और जितने खरोश से ये नारे सामने आ रहे हैं तो लगता यह है कि इन तहरीकों में कहीं ना कहीं दम खम मौजूद है। आज हम बात करेंगे, हमारे साथ मेहमान हमारे साथ शरीक गुफ्तगू होंगे सरदार मोहम्मद इकबाल साहब। आप हज़ारा तहरीक सिंध के सदर हैं और साबिक एडवाइज़र पाकिस्तान रेलवे हैं। इनके साथ तशरीफ़ फरमा है सुफियान सिद्दीकी साहब, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, और उनके साथ खालिद मुमताज़ साहब, तशरीफ़ फरमा है PMLN के आप रुकन हैं और कराची बार एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी हैं। हमने अपने प्रोग्राम में मदु किया था शहजाद सिद्दीकी साहब को, जो इस वक्त नहीं आ सके हैं। शहजाद सिद्दीकी साहब महाजिर सूबा तहरीक के जनरल सेक्रेटरी हैं। मेरे साथी एंकर हमारे साथ मौजूद हैं सलमान। इससे पहले कि हम गुफ्तगू का आगाज़ करें अपने मेहमानों से, हम ये चाहेंगे कि जो हजरात हमारे शो में तशरीफ़ फरमा हैं, अवामुन्नास जिसको हम अवाम कहते हैं, अवामी मुतालबात पर ही हम अपना शो किया करते हैं, तो रद्दअमल लेंगे इसी मौजू पर अवाम का। जी मोनस, थैंक यू। और आपने बात की अवामी मुतालबात की, बहुत अच्छी बात की, साथ साथ आपने सूबों का भी जिक्र किया। तो हम देखते हैं कि आजकल हर जगह एक ही बहस छिड़ी हुई है, सूबे की बात हो रही है हर जगह, चाहे आप प्रिंट मीडिया उठा के देख लें, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया उठा के देख लें, या आवाम के अंदर की बात करें, मगर असल मसाइल जो आवाम के हैं आज उस पर कोई बात नहीं कर रहा कि आया बिजली नहीं है, पेट्रोल 103 पे पहुंच गया है, डॉलर अपनी रिकॉर्ड सतह तोड़ के 92 रुपये से भी आगे निकल चुका है। तो क्या आवाम का मसला ये नहीं है, या आवाम का मसला अब सूबा बनाना रह गया है? तो ये भी हम आवाम से जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन साथ साथ हमने ये भी देखा कि महाजर सूबा तहरीक की जब बात की गई और इसकी रिटेलिएशन में हमने ये देखा कि सिंध मोहब्बत रैली निकाली गई जिसपे फायरिंग हुई और एक इनटॉलरेंस की फ़िज़ा कायम की गई, कराची शहर में हमने खून रेजी देखी। तो सिर्फ मेरा सवाल आवाम से ये है जो यहाँ पे मौजूद है कि चले सूबे की बात आप करते भी हैं, तो मगर किस कीमत पे सूबा बनाना चाहते हैं? क्या 500 लाशें गिरेंगी उसके बाद जो है अवाम में अकल आएगी और उसके बाद जो है मुतालबात हल होंगे क्या? मैं ये समझता हूँ कि कराची की अवाम का ये दरीना मुतालबा है कि महाजिर सूबा बनाया जाए, और मैं समझता हूँ मसाइल बहुत जल्दी और तेज़ी के साथ हल हो जाएंगे अगर कराची की जो वाहिद नुमाइंदा जमात है जिसके पास मैंडेट है, वो जमात है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट और कायद तहरीक अल्ताफ़ हुसैन। हम आज के प्रोग्राम के तवस्सुत से मैं कायद तहरीक अल्ताफ़ हुसैन से ये भरपूर अपील करता हूँ कि वो महाजिर सूबा तहरीक की भरपूर हिमायत का ऐलान करें। चले ठीक है, आपने मुतालबा तो कर दिया आपने लीडर से, मगर आप ये बताएं कि कौन सा ऐसा अलादीन का चिराग है सूबा बनने के अंदर के सूबा बनते ही तमाम मसाइल को हल कर दिया जाएगा? कहां से ये बात आ रही है, कहां से ये मुतालबा आ रहा है, देरीना मुतालबा कब से स्टार्ट हुआ ये देरीना मुतालबा? जी क्या कहेंगे आप? अगर सूबे बनने से अवाम के मुतालबे हल होते हैं तो ऐसे 500 सूबे बना दो, लेकिन बताओ तो अगर अवाम के मसाइल ऐसे सूबे बनने से हल हो जाए तो भाई 500 सूबे बना दो, क्या कहेंगे आप इसके जवाब में? सूबे की जहाँ तक आप बात कर रहे हैं तो सूबे जो सिंध सूबे की बात कर, सिंध सूबा तो उसी दिन डिवाइड हो गया था जब आपने रूरल और अर्बन के हवाले से कोटा सिस्टम की बुनियाद रखी थी। अगर कोटा सिस्टम इतना ही अहमियत का हामिल था तो बाकी 3 सूबों के अंदर क्यों नहीं राइज किए गए? ये मैं बात कर रहा हूँ, आज की बात नहीं कर रहा, 1971 और 72 की बात कर रहा हूँ जब कोटा सिस्टम नाफिज किया गया था। दूसरी बात ये कि मजहबी हवाले से मैं कहता हूँ कि आपको शायद आपने हदीस शरीफ पढ़ी होगी कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अगर आपके शहर बड़े हो जाएँ तो नए शहर आबाद करो। नए शहर आबाद करने का मकसद उसे यही था कि बड़े शहरों में उस वक्त एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स हो जाती थी लोगों में, तो नए शहर आबाद करेंगे तो नई। आपने बात की एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज की, सॉरी मैं आपकी बात काटूंगा, मगर ये एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज के ऊपर इसको बुनियाद बना के सूबे का मुतालबा नहीं किया गया है बल्कि लासानी बुनियादों पे जो है इसका मुतालबा किया गया है। मगर मैं एक और सवाल यहाँ पे उर्दू स्पीकर्स के हमारे साथ मौजूद है, आप मुझे बताएं कि आप महाजिर सूबे का मुतालबा तो करते हैं मगर महाजिर है कौन इस वक्त कराची के अंदर? सर महाजिर तो हम ही लोग हैं ना, जब तो महाजिर होता कौन है आप पहले मुझे ये बताएं। महाजिर जितने मूवमेंट की हो, हिजरत की हो, बेसिकली ये आपने हिजरत की थी, आप इधर पैदा हुए थे? नहीं, आपकी जो है जो स्पीकर है डिप्टी स्पीकर, उसने कहा कि अगर मेरे बाप ने हज किया हो तो बेटा हाजी नहीं कहलाएगा, उनके अल्फाज है जो मैं देखा मीडिया पर। मेरे एक बात सुने, जब रोड पर रोकते हैं लोग
और ये बोलते तुम्हारा बाप महाजिर है, लिहाजा लिहाजा तुम भी महाजिर हो और तुम्हें जो मार देंगे। तो कहाँ गई वो, मतलब कि क्या बोलते हैं थ्योरी। और दूसरी बात ये है कि मेरी एक बात सुने कि 92 के ऑपरेशन में किस कदर मारा गया महाजिरों को, वो MQM को हो ना हो उनको पकड़ा मारा गया, बेइज्जती मुर्गा बनाया गया। देखिए आपने महाजिर सूबे के फिर से मुतालबा किया, हालांकि आप इस बात को सही तरह डिफाइन भी नहीं कर पाए कि महाजिर शहर में है कौन, अब बचा कौन है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि इन साहब ने हदीस कोर्ट की और एडमिनिस्ट्रेटिव इंतजामी बुनियादों पर सूबा बनाने की बात की, शहर को थोड़ा सा डिवाइड करने की बात की, ठीक है, लेकिन आप तो लसानी बुनियादों पर जो है वो सूबे का मुतालबा कर रहे हैं जो बहुत सारे लोगों को खटक रही है। देखें नाम पे बात हो रही है इस वक्त, महाजिर नाम पे, ठीक है ना। अब उस नाम को आप लिसानियत की बुनियाद पर ले जा रहे हैं या किसी और पर ले जा रहे हैं वो आपका अपना भी। लेकिन टू इंटरनेशनल प्रिंसिपल ऑफ नेशन, दुनिया में कौमियत के दो बैन अलाक़वामी नज़रियात हैं, एक मज़हब की बुनियाद पर और एक ज़बान की बुनियाद पर। उसके अंदर यह अगर यही पढ़े, हम मेरे मौजूदा यहाँ बैठे हुए हैं, जाएँ अपनी बुक्स खोलें, इंटरनेट पर देखें, सब मिल जाएगा उनको। अगर चंद उसमें ये होता है कि अगर चंद अफराद या अफराद का ग्रोह अपने आप को एक कौमियत मनवाना चाहता है तो उसको कुछ प्रिंसिपल्स पे से गुजरना पड़ता है, उसको कुछ पॉइंट्स होते हैं उस पे से गुजरना पड़ता है। उसमें सबसे पहला ये होता है कि आप लोग कौन हैं और आपका तारीखी पस मंज़र क्या है, आप लोग कहाँ से आए। तो हम ये बोलते हैं कि हमारा तारीखी पस मंज़र ये है कि हम बर्रे सगीर के मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ जगहों पर रहते थे, वहाँ से हम हिजरत करके पाकिस्तान और सिंध के इस इलाके के अंदर रहे, आके रहे। और आप ये समझते हैं कि आपको हुकूक नहीं मिले, यही बात है? नहीं नहीं, मैं प्रिंसिपल की बात कर रहा हूँ, मैं कौमियत पूरी कम्प्लीट नहीं हुई है महाजिर कौमियत, मैं उस बात पर बात कर रहा हूँ कि महाजिर कौमियत कहाँ पर आके कम्प्लीट हो रही है। पहला नुकता है कि आपका तारीखी पस मंज़र क्या है, दूसरा नुकता है ये कि आपका कल्चर क्या है। मैं बोलता हूँ कि मेरा कल्चर ये है कि मेरा ड्रेस जो है वो पजामा कुर्ता है, मेरे घर के अंदर ज़मीन पे नहीं बैठा जाता, मेरे घर के अंदर सोफे और इस तरह की चीज़ें होती हैं जिसमें ऊँचे पे बैठा जाता है। उसके तीसरा ये कहा जाता है कि आपकी सकाफत क्या है, आपके कल्चर सकाफत क्या है। हम बोलते हैं कि हमारा कल्चर सकाफत क्या है कि मैं अपने घर में बच्चों से, बड़ों से शफकत से पेश आता हूँ, बाप से बात करता हूँ, आप और तमीज़ से और जनाब से बात करता हूँ, ये मेरा। अगर और तीसरा आखिरी यही होता है जो मैंने आपसे बोला तारीख मंजर कहाँ से है, उससे बाद ये पूछते हैं कि आप लोग अपना नाम क्या रखना चाहते हैं। हम अपना नाम महाजिर रखना चाहते हैं। चले ठीक है, आपने बात को एक और डायरेक्शन में चले ठीक है, थोड़ा सा आप क्या कहना चाहते हैं? ये बात कर रहे हैं महाजिर, मुझे नहीं पता महाजिर क्या है, लेकिन वी आर महाजिर और सूबा चाहिए इसलिए कि हमें। आप महाजिर नहीं है, आप वहाँ आप हिजरत करके नहीं है, आप यहाँ पे पैदा हुए थे मेरे भाई। यहाँ पर पंजाबी है, पठान है, वो कहाँ से आ गए यार?